हेलो गाइस, आई एम मीत परमार। वेलकम बैक टू द चैनल वाई मीत। आज मैं आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड के अंदर पूरा का पूरा सर्वर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे अपने फेवरेट यूट्यूबर, अगर आपको उसको फॉलो करते या फिर अपने फेवरेट गेमर की तरह एक अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स एक साथ गाना सुन पाए, एक साथ मीम शेयर कर पाए, मीम बना पाए, तो एकदम मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि भाई एकदम डिसेंट लुकिंग और एकदम प्रोफेशनल लुकिंग यहाँ पे कैसे बनाते हैं डिस्कॉर्ड का सर्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको फ्रॉम द ज़ीरो यहाँ पे पूरा का पूरा सर्वर बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, जो आप सर्वर देख रहे हैं वही सर्वर मैं आपको दिखा के बनाऊंगा और यहाँ पे पूरा का पूरा म्यूजिक बोर्ड और सारे के सारे बोर्ड्स भी हम डालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो भाई सबसे पहले फ्रॉम क्रिएटर सर्वर में जाके आपको एक पूरा का पूरा सर्वर बनाना होगा। यहाँ पे देखिए, मैं अपनी यूट्यूब चैनल के लिए सर्वर बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाए और ये जो भी मैं सर्वर बना रहा हूँ वही सर्वर के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप बहुत सारी गेम्स और म्यूज़िक भी सुन पाएंगे। तो बस आपको यहाँ पे सर्वर का नाम सिलेक्ट कर देना है। नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई कोई भी फ़ोटो नहीं अपलोड कर देनी, जो आपको सर्वर के अंदर रखनी है उस फोटो का एकदम डायमेंशन वाइज एकदम बढ़िया से क्रॉप करके रखिए ताकि आपकी फ़ोटो एकदम सर्वर के अंदर बढ़िया से दिखे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे 1:1 का रेशियो भी रखूँ दूंगा और बाद में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करूँगा और नाम भी यहाँ पे बढ़िया सा सर्वर का रख दूँगा। तो भाई नाम रखने के बाद और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बाई डिफ़ॉल्ट जनरल चैनल वॉइस की और टेक्स्ट की यहाँ पे आपको मिलेगी। तो अभी आपको क्या करना होगा, तो भाई अभी आपको यहाँ पे पूरे का पूरा चैनल का लिस्ट बनाना होगा, कैटेगरीज बनानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेक्स्ट चैनल को जाकर एडिट कर देना है। यहाँ पे आप डिलीट करके नया भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है तो आप इसे एडिट कर दीजिए। तो पहली टैब में आपके यूट्यूबर या फिर गेमर की तरह आप इन्फो रख सकते हैं जिसमें आपकी पूरी की पूरी जानकारी होगी, सर्वर के रूल्स हो गए, सर्वर में कोई एंटर करेगा तो उसे वेलकम मैसेज जाएगा, उसका लेवल अप होगा उसके बारे में, यार यूट्यूब की नोटिफिकेशन, जो भी कुछ सर्वर के बारे में यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगी वो इस इन्फो चैनल में उनको देखने को मिलेगी। तो भाई मैंने बना दिया है, देखिए यहाँ पे इन्फो चैनल यहाँ पे नाम रख दिया है। यहाँ पे आप नाम के अंदर इमोजीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फो चैनल बनाने के बाद यहाँ पे मैं जो जनरल चैनल है उसका आप नाम चेंज करके यहाँ पे वेलकम चैनल कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वेलकम चैनल के अंदर यहाँ पे बोट हमारा ऑटोमेटिक कोई भी हमारे सर्वर के अंदर एंटर करेगा तो उसे मैसेज भेज देगा। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि भाई बोट कैसे ऐड करने है, क्या कैसे क्या करना है। तो बस यहाँ पे वीडियो को सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते जाए। बाद में मैं और एक यहाँ पे टेक्स्ट चैनल बनाता हूँ रूल्स की और बाद में और एक यहाँ पे मैं टेक्स्ट चैनल बना देता हूँ मेरे यूट्यूब के नोटिफिकेशन की। तो भाई इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे बनाना हो, यहाँ पे ये नहीं कि भाई जो मैं नाम रखा हूँ वही रखना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे इन्फो वाला चैनल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई इन्फो वाली कैटेगरी तो हो गई, यहाँ पे वेलकम रूल्स और यूट्यूब अपडेट्स यहाँ पे हो गया है सेट। तो भाई यहाँ पे अभी मुझे ही मैसेज भेजना है इस पूरे के पूरे यहाँ पे जो सेक्शन है उसके अंदर। यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे जो सर्वर के यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉग हो गए वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे ये मैसेज। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक सर्वर के अंदर रोल बनाना होगा। तो सर्वर के अंदर सेटिंग में जाके आप रोल बना दीजिए, जैसे कि अभी मैं मेरे लिए रोल बना रहा हूँ तो इसका नाम मैं ओनर रख देता हूँ। अगर आप किसी और के लिए बना रहे तो सर्वर मोड रख दीजिए, यहाँ पे कोई भी नाम रख दीजिए आप। नाम रखने के बाद जो भी सर्वर का ओनर है या फिर जिसको आपको मेन पावर देना है सब मैसेज भेजने की डिलीट करने की, तो भाई उसे सारी की सारी यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके सारी की सारी परमिशन दे दीजिए उस रोल को। तो यहाँ पे मैं जो ओनर वाला रोल बना रहा हूँ उस ओनर वाले रोल को सारी की सारी मैं परमिशन दे दूँगा। होगा क्या, बाद में सिर्फ मैं इन्फो वाले कैटेगरी में जाके सिर्फ यहाँ पे ओनर को परमिशन दूंगा उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज भेजने की। तो सिर्फ ओनर ही टेक्स्ट मैसेज भेज पाएंगे, बाकी और कोई भी लोग वहाँ पे मैसेज नहीं भेज पाएंगे, ताकि आपके जो रूल्स के मैसेज है वो भी वहीं के वहीं रहे और यूट्यूब नोटिफिकेशन में भी आप अपने ही वीडियो का प्रमोशन कर पाए और वेलकम मैसेज के अंदर भी आप सब अपने ही हिसाब से वेलकम मैसेज भेज सकें। तो भाई यहाँ पे सर्वर मोड का यहाँ पे रंग में यहाँ पे पिंक रख देता हूँ और सर्वर मोड को भी यहाँ पे मैं सारी की सारी परमिशन दे देता हूँ। देखिए आप ध्यान रखें, जो भी परमिशन बनाए और जो भी यहाँ पे रोल यहाँ पे बनाए डिस्कॉर्ड के अंदर, तो भाई किसी को भी ऐसे ही उस रोल को ना दे। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ये रोल देंगे तो वो पूरा का पूरा एक्सेस ले लेगा आपके यहाँ पे सर्वर का। तो भाई यहाँ पे ध्यान से सर्वर मोड और यहाँ पे ओनर के जो भी राइट्स है डिस्कॉर्ड सर्वर के वो आप अपने दोस्तों या फिर जो भी किसी को देने रहे उसे यहाँ पे ध्यान से दे ताकि आपका सर्वर सेफ रहे। तो भाई वेलकम चैनल तो बन गया, अब क्या करेंगे, तो भाई अब करेंगे यहाँ पे हम
देखिए यहाँ पे वेलकम चैनल के अंदर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और फिर यहाँ पे परमिशंस के अंदर एवरीवन में जाएंगे। एवरीवन यानी कि सभी लोग। एवरीवन में जाके यहाँ पे सेंड मैसेज का यहाँ पे जो परमिशन है उन लोगों की यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पे वेलकम चैनल के अंदर यहाँ पे मैसेज नहीं भेज पाएगा, रीड नहीं कर पा यहाँ पे रीड कर पाएगा, लिंक अटैच नहीं कर पाएगा और फाइल्स भी अटैच नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैसेज की हिस्ट्री और मैसेज ही रीड कर पाएगा और रिएक्शन दे पाएगा उस मैसेज के ऊपर। तो यहाँ पे बाकी सारी की सारी हमने जो परमिशन है वो यहाँ पे ऐसे ही रखनी है और बाकी जो नहीं देनी है उसके ऊपर क्रॉस रख देना है, ताकि अभी यहाँ पे एवरीवन का रोल आ गया है हमारे इंफॉर्मेशन चैनल के अंदर। तो वेलकम चैनल के अंदर यहाँ पे सर्वर मोड और सिर्फ सर्वर का ओनर जो होगा वही मैसेज भेज पाएगा, वही मैसेज को यहाँ पे मैनेज कर पाएगा। तो यहाँ पे सर्वर का ओनर को यहाँ पे सारी की सारी परमिशन देनी है ताकि वो यहाँ पे मैसेज कर पाए और बाकी के कोई भी ऑर्डिनरी लोग ना कर पाए। तो यहाँ पे वेलकम चैनल सेट हो गया, यहाँ पे मैं अभी कर पाऊँगा मैसेज लेकिन और कोई नहीं कर पाएगा। तो भाई ये तो हो गया सेट। अभी इसके अंदर हमें म्यूज़िक बोर्ड भी डालना है, यहाँ पे मीम वाला बोर्ड भी डालना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक चैनल बनानी होगी। तो भाई इसी चैनल को एडिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इस चैनल को म्यूज़िक बोर्ड के नाम से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि इसके अंदर सब म्यूज़िक सुन पाए। यहाँ पे म्यूज़िक एरिना मैं इस चैनल का नाम रख देता हूँ। तो भाई चलिए इस यहाँ पे चैनल का नाम रख दिया है म्यूज़िक एरिना कैटेगरी का नाम। उसके अंदर हमें एक यहाँ पे वॉइस कमांड, यहाँ पे वॉइस चैनल तो है ही पहले से, लेकिन वॉइस कमांड देने के लिए भी एक चैनल बनानी होगी। तो भाई सबसे पहले तो जिसके अंदर सब लोग गाना सुनेंगे वो एक वॉइस चैनल होगी, तो उसका नाम मैं ग्रूवी रख देता हूँ क्योंकि हमारे बोट का नाम भी ग्रूवी है। यहाँ पे आप बाइट रेट सेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 64 की जो बाइट रेट है वही रखें ताकि पुअर कनेक्शन वाले और यहाँ पे रिच कनेक्शन वाले दोनों एक साथ गाना सुन सके। और लिमिट में नो लिमिट रख दीजिए ताकि कोई भी आकर गाना सुन पाए आपका। तो बाद में कर दीजिए इसे बस जनरली सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे ग्रूवी आ गया है म्यूजिक एरेना के अंदर, लेकिन ग्रूवी के अंदर गाने चलाने के लिए हमें यहाँ पे कमांड्स देने होंगे। तो वो कमांड किस में देंगे, तो उसके लिए एक टेक्स्ट चैनल को क्रिएट कर दीजिए यहाँ पे म्यूजिक एरेना के अंदर, यहाँ पे म्यूजिक बोट कमांड्स ऐसा करके मैं एक चैनल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे इसे टेक्स्ट चैनल रखना है आपको, ध्यान रखें यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के अंदर कमांड भेजेंगे हम, और ग्रूवी है वो वॉइस मैसेज रखना है जिसके अंदर हम गाने सुन पाएंगे। तो भाई ये तो हो गया यहाँ पे म्यूज़िक एरिना का सेटिंग, लेकिन अभी इसमें गाने नहीं बजेगा, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि भाई बॉट को कैसे ऐड करना है। तो भाई अभी तो इतना काम हो गया, फिर आपको करना है क्रिएट कैटेगरी, यानी कि हमें एक नई कैटेगरी ही बनानी है। तो भाई यहाँ पे जो लोग आए गए उसे यहाँ पे जनरल चैट करना होगा या फिर कुछ भी यहाँ पे बातचीत करनी होगी कोई टॉपिक के रिलेटेड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ चिट चैट नाम का, यानी कि चिट चैट नाम की कैटेगरी जिसके अंदर सभी लोग चैट कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 यहाँ पे वीडियो लेंदी ना हो इसलिए 5 यहाँ पे डाल दिए है। जनरल चैट, मूवीज सजेशन, टेक्निकल टॉक, फोटो आर्ट्स, यानी कि सब यहाँ पे बातचीत कर पाएंगे। लेकिन अभी चिट चैट को म्यूज़िक एरिना के ऊपर लेना है हमें, यहाँ पे म्यूज़िक एरिना नीचे आना चाहिए, यहाँ पे जनरल चैट तो सभी लोगों को करना होता है। तो इसके लिए हम जाएंगे चैनल्स के अंदर, सर्वर के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, चैनल में जाके यहाँ पे आप कैटेगरी को यहाँ पे ऊपर नीचे कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो भाई चिट चैट को ऊपर कर देता हूँ, म्यूज़िक एरिना को नीचे रख देता हूँ और हो गया डन। तो अभी मैं सर्वर में बाहर जाऊँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे चिट चैट ऊपर आ गया है जिसके अंदर आप जनरल टॉक कर सकते हैं, मूवीज सीरीज़ के बारे में यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं एक दूसरे को, मीम्स शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो भाई ये तो हो गई बात। यहाँ पे अभी और एक कैटेगरी ऐड करनी है जिसके अंदर यहाँ पे डैंक मीम बॉट आएगा और उसके कमांड यहाँ पे सारे के सारे हो गए। तो यहाँ पे डैंक मेम्बर नाम का यहाँ पे मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ। डैंक मेम्बर कैटेगरी के अंदर हमें सिर्फ एक टेक्स्ट चैनल रखनी है, उसके अंदर बॉट पूरा का पूरा अपना काम करेगा। तो भाई अभी यहाँ पे एक डैंक बॉट कमांड, यहाँ पे ऐसे कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसान हो कि भाई डैंक के कमांड यहाँ पे देने और वहाँ पे डैंक मीमर अपने मीम्स भेजता रहेगा। अभी डैंक मीमर यहाँ पे बोट और ग्रूवी म्यूजिक बोट जो है उसे ऐड कैसे करेंगे, तो भाई वो हम करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी एक यहाँ पे कैटेगरी बना देते हैं जिसके अंदर सभी लोग वॉइस चैट कर पाए। हमने चिट चैट वाला बनाया, उसके अंदर सब जनरल चैट और मूवी सजेशन और ये सब तो फिर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के अंदर चैट कर पाएंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आप यहाँ पे चैनल बना सकते हैं म्यूज़िक के लिए भी पर्सनल, जिसके अंदर आप गेम खेलते समय एक दूसरे के साथ म्यूज़िक के अंदर बात कर सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट टॉक नाम का चैनल बना दिया, लेकिन प्राइवेट टॉक तो दो लोगों के बीच होती है, तो उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके हम यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे 2 यूज़र्स की।
तो इस तरीके से लिमिट सेट कर दी। इसके तरीके से हम ट्रायो टॉक बनाएंगे, जो भी तीन लोगों के ग्रुप को बात करनी हो पर्सनल के अंदर, जो भी डिस्कॉर्ड के अंदर किसी और को नहीं सुनाई देगी वो तीन लोगों को ही सुनाई देगी। तो उस तरीके से ड्यूओ, ट्रायो, स्क्वाड, 5v5 और यहाँ पे जनरल वॉइस चैट और सारी की सारी चैनल बना देंगे एक प्रोफेशनल सर्वर की तरह, ताकि हर कोई आ सके, हर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सके, गेम खेल सकते हैं एकदम, वो भी एकदम पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ट्रायो टॉक के अंदर कोई तीन लोग बात करेंगे तो बाकी के लोग उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। अगर उन लोगों को बात करनी है तो जनरल वॉइस चैनल या फिर कोई भी वॉइस चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉइस चैनल बहुत सारे बनाने, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को अलग अलग गेम खेलनी होती है और यूज़र भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे वॉइस चैनल अपने हिसाब से बना दीजिए बहुत सारी। और यहाँ पे मैं भी ये स्क्वाड में 4 लोगों की लिमिट रख देता हूँ, और इसी तरीके से बहुत सारी देखिए मैंने बना दिए जनरल वॉइस चैट और ये सब। तो यहाँ पे जनरल होगा उसमें अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, सभी लोग बात कर पाएंगे, ग्रुवी के अंदर म्यूजिक सुन पाएगा और ये सब हो गया। डिसेंट सर्वर की सेटिंग्स यहाँ पे सेट हो गई सारी की सारी। अभी हमें बॉट को ऐड करना है, तो गूगल में सर्च कीजिए यहाँ पे डिस्कॉर्ड बॉट्स, और जो भी वेबसाइट आ गई उसके वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स मिल जाएगा। उस बॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर इनवाइट पर क्लिक करना है। तो वो बॉट पर क्लिक करने के बाद, इनवाइट पर क्लिक करने के बाद आपको डिस्कॉर्ड के अंदर लॉगिन करने को बोलेगा। तो अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाए डिस्कॉर्ड के अंदर, और लॉगिन होने के बाद वो बॉट आपके पास से परमिशन मांगेगा कि आपके सर्वर के अंदर आने की। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ उस तरीके से, आपको वाई मीत पर सिलेक्ट कर देना है जो भी सर्वर के अंदर उस बॉट को रखना है, और यहाँ पे जो भी परमिशन देनी है अपने बॉट को वो देकर ऑथोराइज करके उसे अंदर ले ले। लेकिन बॉट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा कि भाई आप बॉट नहीं है, तो भाई आप ह्यूमन है, ऐसा यहाँ पे आप वेरीफाई करके बॉट को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉट आ गए हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, अभी देखते हैं ऑनलाइन है कि नहीं। तो भाई देखिए डैंक मेम्बर बता रहा है यहाँ पे बॉट आ गया है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। तो बस अभी डैंक कमांड के अंदर जाके ये जो भी डैंक मेम्बर बॉट है उसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए तो कुछ रखा नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बस आपको डैंक मेम्बर का कमांड रख देना है, प्लीज़ मीम ऐसा मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए बॉट ऑटोमेटिकली एक मीम जनरेट करके हमको भेज देगा। तो बस वो भी पूरा का पूरा चलता ही रहेगा, डैंक मीम हमेशा ऑनलाइन ही रहेगा और सबके साथ बातचीत करता रहेगा। यहाँ पे पूरे के पूरे उसके कमांड हो जाएगी। तो भाई आपको वो कमांड तो उसके लिए अलग से वीडियो देख लेना होगा कि भाई डैंक मेम्बर के कौन कौन से कमांड है, कितने कमांड है, क्योंकि बहुत ही बड़ा बॉट है ये। तो भाई उसके बाद म्यूजिक बॉट ऐड करना है, तो म्यूजिक बॉट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे वही लिस्ट में जाना है और नीचे ग्रूवी को सर्च करना है। ग्रूवी एक बहुत ही यहाँ पे म्यूजिक का सबसे फेमस है, सभी लोग ग्रूवी का ही यूज़ कर सकते हैं मोस्ट ऑफ। तो भाई ग्रूवी को इन्वाइट कर लेना है हमारे सर्वर के अंदर। वही प्रोसीजर सेम दोहरानी है जो भी हमने प्रोसीजर पहले दोहराई थी डैंक मेम्बर के लिए। यहाँ पे सर्वर सिलेक्ट कर देना है, सर्वर सिलेक्ट करने के बाद उसे परमिशन दे देनी है, और परमिशन देने के बाद आई एम ह्यूमन उसे साबित कर देना है बॉट को। तो बस इतना करने के बाद अभी ग्रूवी भी आ गया होगा हमारे सर्वर के अंदर। बहुत ही ईजी है, सबको लगता है कि भाई बॉट सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। तो यहाँ पे देख चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए आ गया डैश हेल्प कर दिया तो ग्रूवी। लेकिन ग्रूवी में गाने सुनने के लिए आपको यहाँ पे वॉइस चैनल के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं अभी वॉइस चैनल के अंदर ज्वाइन हो गया हूँ और अभी एक गाना सुनते हैं, चलिए देखते हैं कि ग्रूवी सुनाता है कि नहीं सुनाता है। तो यहाँ पे प्ले कर दिया है मैंने गाना, डैश प्ले करके कोई भी गाने का नाम लिखोगे तो ग्रूवी बजाने लगेगा। देखिए अभी ग्रूवी ने बजाना शुरू कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे माइक बंद था इनपुट, इसलिए अभी सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे तभी सुनाई दे रहा था और ग्रूवी एकदम कम्प्लीटली वर्क कर रहा था। अभी आपके दोस्त भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं इस चैनल के अंदर, और सभी लोग एक साथ एक ही गाना कहीं भी सुन सकते हैं। आप कहीं भी हो, दूर दूर हो, तो भी एक साथ एक गाने का आनंद ले सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारे व्यूअर के साथ। तो बाद में भी यहाँ पे सर्वर का थोड़ा ध्यान तो रखना होगा, तो उसके लिए SX4 करके एक मॉडरेशन बॉट को लाना पड़ेगा। ये बॉट सभी लोगों का काउंट रखेगा, कौन कौन आया हमारे सर्वर में, और सभी को वेलकम मैसेज भेजेगा और ये सब करेगा। तो भाई उसके लिए यहाँ पे जो बॉट है उसको सेट करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे भी कमांड रिलेटेड आएगा, तो उसे बस सबसे पहले तो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी मैं आपको कमांड अभी बता रहा हूँ वही कमांड यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो मैं फर्स्ट करके कमांड रखा रहा हूँ #, वेलकम और चैनल, फिर #, वेलकम चैनल, वही सारे के सारे कमांड आपको भी अपने यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर रखने हैं, लेकिन अपने चैनल का नाम और ये सब यहाँ पे एडिट कर देना है आपको। तो यहाँ पे वेलकम मैसेज इनेबल करने के लिए इतने सारे कमांड, यहाँ पे आपको 5 कमांड रखने होंगे बेसिकली।
यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज वाला हम वेलकमर इनेबल कर देते हैं। और इमेज वाला जो ये कमांड अभी मैं करने जा रहा हूँ, उस कमांड के लिए आपको एक फ़ोटो भी साथ में अपलोड करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे जो एस क्वेश्चन मार्क आईएमजी वेलकमर और बैनर करने के बाद आपको कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर देना है जो आप वेलकम के लिए यहाँ पे बैनर बनाना चाहते हैं। तो भाई मैंने इमेज सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया। और लास्ट जो कमांड है उसके अंदर यहाँ पे आपको बस कर देना है यहाँ पे आपका जो भी वेलकम मैसेज है वो सेट। उसके बाद यहाँ पे जो मैं अभी प्रीव्यू वाला कमांड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा मिस्टर आर करके एक दोस्त आया, उसे यहाँ पे एकदम बैनर वाला वेलकम मैसेज उसे भेज दिया है। तो बाद में अभी जाते हैं यहाँ पे, मुझे ओनर की यहाँ पे दे देते जी हाँ, यहाँ पे मैं वो भूल गया था, कोई किसी के बंदे पर आप क्लिक करेंगे और उसके नीचे आएगा मैनेज यूजर, उसे उसमें जाकर आप उसे पर्टिकुलर रोल दे सकते हैं। तो मैंने मिस्टर आर को बना दिया मेरा सर्वर का मॉड और मैं बन गया हूँ सर्वर का ओनर। और अब सेट करते हैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल, जो भी ग्रूवी और ये सब बॉट है उसका थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो टॉक रूम पर यहाँ पे आपको होल्ड कर देना है, फिर सेटिंग में जाके परमिशन में जाके आपको ग्रूवी को सारी की सारी परमिशन डिनाई कर देनी है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप यहाँ पे ड्यूओ टॉक या ट्रायो टॉक के अंदर बातचीत करोगे अपने दोस्तों के साथ और कोई कमांड देगा और आपका यहाँ पे गाना बजने लगेगा ड्यूओ और ट्रायो में, तो एक पर्टिकुलर चैनल के लिए बॉट को यहाँ पे रखना है हमें। तो बाकी के सारे चैनल में जाके उसकी सारी की सारी परमिशन को हमें कैंसिल कर देना है, तो हो जाएगा अपना काम। फिर हमें जाना है रोल्स के अंदर, और फिर रोल्स के अंदर यहाँ पे बॉट को भी कभी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नहीं रखना है, ये बात खास ध्यान रखें आप। ग्रूवी और डैंक मेम्बर दोनों को यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे परमिशन नहीं दी है, ताकि हम जो कहेंगे वही वो बॉट्स करेंगे। और उन बॉट को यहाँ पे बाकी की कैटेगरी के अंदर से आप बैन कर सकते हैं, यहाँ पे एटीडी कैटेगरी और परमिशन के अंदर जाके यहाँ पे सारे के सारे बॉट्स को आप बैन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जाके डैंक मेम्बर को बैन कर देता हूँ, ताकि डैंक मेम्बर यहाँ पे जनरल चैट के अंदर किसी को मीम ना भेजे और ये सब, सिर्फ डैंक मेम्बर अपने यहाँ पे सेक्शन, अपनी कैटेगरी, अपनी चैनल के अंदर ही यहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल चैट के अंदर अब मीम्स कोई नहीं शेयर कर पाएगा, सब पर्टिकुलर बॉट के कमांड पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ही सीमित रहेगी, इसलिए हमने सारे के सारे डिफरेंट कैटेगरी सबसे पहले ही बना के रख दी थी। तो ये हो गया यहाँ पे म्यूजिक बॉट का और ये सब सेटिंग। देखिए यहाँ पे मिस्टर आर अभी गाना सुन रहे, तो मैं भी उनके साथ गाना सुनता हूँ। आप भी अपने दोस्तों के साथ गाने सुनिए और डिस्कॉर्ड में सर्वर बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।